उज्जैन के घटिया थाना क्षेत्र स्थित ग्राम डाबरी में शुक्रवार को दो पक्षों में ढोर चराने की बात को लेकर विवाद हो गया। कहा सुनी मारपीट में तब्दील हुई और फिर जानलेवा हमले तक जा पहुंची। जानकारी के अनुसार डाबरी निवासी कृष्णपाल सिंह शुक्रवार सुबह अपने खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान पास के खेत मालिक के चार पांच पशु कृष्णपाल के खेत में आ गए और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाने लगे। कृष्णपाल सिंह ने खेत मालिक विजय सिंह, श्याम सिंह और मान सिंह उर्फ पप्पू को अपने ढोर संभालने के लिए कहा तो दोनों में कहा सुनी हुई और विवाद शुरू हो गया। कृष्णपाल के छोटे भाई बलराम सिंह ने बताया कि आरोपी पहले भी इस तरह के विवाद कर चुके हैं। मारपीट में कृष्णपाल के सर और हाथ में गंभीर चोट आई है जिसका इलाज उज्जैन के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल घटिया थाना पुलिस ने मारपीट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसा कि वो मेरे बड़े भैया हैं, कृष्णपाल सिंह नाम है उनका, वो कल खेत पे गए थे तो जो सामने वाला पक्ष है विजय सिंह है, उसके दो लड़के हैं, वो तीनों वही मौजूद थे। उनके जानवर हमारे खेत में चल रहे थे, हमें मेरे भैया के मना करने के बावजूद उन लोगों ने गाली गलौज करी, माँ बहन की गाली गलौज करी। आप शब्द बोले तो उन्होंने मना करा कि यार एक तो हमारा नुकसान करवा रहे हो, उसके बाद गाली गलौज कर रहे हो। तो उन लोगों ने, भैया अकेले थे और वो तीन जने थे, तीनों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। कुछ उनके पास में लाठी भी थी और कुराड़ी भी थी। तो भैया के सिर में भी चोट आई है और हाथ में भी चोट आई है। शिकायत आपने पहले कही? हाँ, एक महीने पहले घटिया थाने में हमने उनको अवगत करा दिया था। रिपोर्ट हमने नाम दर्ज ही डाली थी कि इनसे हमारा हर बार विवाद होता है, हर बार ये परेशान करते, जैसे कि मोटर चोरी कर लेते, चोरी का भी काम है उन लोगों का, तो हर बार नुकसान कराते ही हो। तो उनको पहले हमने मतलब थाने में अवगत करा दिया था, एक ज्ञापन हमने तहसील में भी दे दिया था उनके खिलाफ, और उन लोगों के खिलाफ गांव में भी दूसरों लोगों ने पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, मतलब काफ़ी सालों से उनके थाने में आए, मतलब रिपोर्टें लगी रही है लगभग।